नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबरों के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है। उस नोटिस में लिखा हुआ है कि खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 के संदर्भ में अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 6 दिसंबर 2020 को यानी कि रविवार को दो सत्रों में प्रदेश के 3 जनपदों प्रयागराज, लखनऊ एवं गाजियाबाद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 दिसंबर 2020 दिन रविवार, पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपहरण 12:30 बजे तक समान अध्ययन, अपहरण 2 बजे से सायं 5 बजे तक समान हिंदी व निबंध की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर पूरी जानकारी दी गई है और आप लोग अपनी आईडी प्रूफ एवं दो फोटो के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। अगर आप आईडी प्रूफ और फोटो नहीं ले जाएंगे तो हो सकता है कि आपको प्रवेश ना दिया जाए। इसलिए आप सावधानी के साथ अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट जो जो मांग गया है परीक्षा के समय उसे साथ में लेकर जाएं, क्योंकि आईडी प्रूफ भी आपका एक डॉक्यूमेंट है। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर है। असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन 13 दिसंबर 2020 को होना है। कई प्रतियोगी छात्रों के द्वारा इसके संबंध में जानकारी मांगी है। जो प्रतियोगी छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई किए हैं, कैंडिडेट हैं, परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, उनका कहना है कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी या नहीं होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। परीक्षा स्थगित किए जाने के संबंध में अभी तक आयोग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसलिए आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए, तैयारी में जरा भी कोताही ना बरतें। देखिए, परीक्षा स्थगित होने के संबंध में आपको जानकारी बार बार नहीं मांगनी चाहिए। अगर मुझे जानकारी मिलती है, कोई भी सूचना मिलती है, कोई भी र्यूमर उड़ता है परीक्षा स्थगित को लेकर, तो इस चैनल के माध्यम सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है। इसलिए आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। परीक्षा अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि स्थगित की जाएगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2020 को लेकर है। उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2020 का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, इसके संबंध में आप लोगों ने जानकारी मांगी थी। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और परीक्षा का आयोजन फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम पखवाड़े में किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें। दिसंबर के प्रथम पखवाड़े से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की पूर्ण संभावना है। खबर उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2019 को लेकर है। उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2019 में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसके नंबर आपको मिल सकते हैं, लेकिन यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि फैसला जनरल होगा या याची होगा। अगर जनरल फैसला होगा तो प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 60, प्रश्न संख्या 129, प्रश्न संख्या 130 और प्रश्न संख्या 144 के नंबर आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर 5 नंबर आपके बढ़ सकेंगे, 5 क्वेश्चन के नंबर बढ़ सकते हैं। सवाल एक आप लोगों ने पूछा है कि फाइनल डिसीजन कब आएगा, क्योंकि अगली सुनवाई की जो डेट है वह 7 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है। न्यायालय ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी और प्रदेश सरकार को इस मामले में एक सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। देखिए, जब प्रदेश सरकार और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा न्यायालय में जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, एक सुनवाई 7 दिसंबर 2020 को होगी, उसके बाद एक और डेट लगेगी, उसके बाद जो है फैसला सुरक्षित कर लिया जाएगा या तो अगली डेट बता दी जाएगी और डिसीजन आ जाएगा। तो जो मुझे जानकारी है, जनवरी के अंतिम या फरवरी के प्रथम पखवाड़े तक उत्तर प्रदेश टीईटी 2019 का जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रश्नों की संख्या को लेकर विचाराधीन है, जो कि सरिता शुक्ला व अन्य के द्वारा दाखिल किया गया है, उसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। जनरल ऑर्डर आएगा तो सबके नंबर बढ़ेंगे, अगर याची ऑर्डर आएगा तो केवल याचियों के नंबर बढ़ेंगे जो सरिता शुक्ला के साथ जुड़े हुए हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2020 को लेकर है।
उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2020 के संबंध में आप लोगों ने जानकारी मांगी थी कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आवेदन प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। देखिए, दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन दिसंबर माह में जारी किया जाएगा, दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में। मैं तो बहुत प्रतियोगी छात्रों से बोल दिया हूँ कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा, लेकिन प्रक्रिया को देखते हुए जो जानकारी मिल रही है कि अभी काम की गति बहुत धीमी है और परीक्षा फरवरी के लास्ट या मार्च माह में होगा, मार्च से पहले परीक्षा का आयोजन हो पाना संभव नहीं दिख रहा है और भर्ती पूरी होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको तसल्ली दे दी जाएगी, आप आवेदन कर लेंगे, परीक्षा भी दे लेंगे, लेकिन भर्ती पूरी होगी 2022 के पहले या नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब अध्यक्ष नहीं कुछ कह सकते हैं, सरकार कुछ नहीं कह सकती है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। तो आप मान कर चलिए कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके संबंध में आप लोग बार बार पूछते हैं कि लोअर पीसीएस मेंस कब होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जितनी भर्ती परीक्षाएं पेंडिंग हैं, उन सब के संबंध में मेरे द्वारा कल ही आपको बताया गया है कि परीक्षा जनवरी 2021 से स्टार्ट हो सकती है, कन्फर्म नहीं है। दिसंबर में कैलेंडर आपको देखने को मिल सकता है, परीक्षा नियंत्रक नहीं आए थे, नहीं तो इस बात पर सहमति बन जाती कि किस किस महीने में परीक्षा का आयोजन होगा। इधर बोर्ड परीक्षाएं जब आयोजित होने लगेंगी तो किसी भी परीक्षा का आयोजन हो पाना संभव नहीं होगा, तो उससे पहले दो तीन परीक्षाएं आयोजित कर ली जाएंगी। इसका मतलब है कि जनवरी से लेकर मार्च तक जो तीन चार परीक्षाएं पेंडिंग हैं उसे आयोजित करा लिया जाएगा। उसके बाद पेट का आयोजन होगा, पेट में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी होंगे जो वर्तमान की जानकारी है। अगर पेट लागू नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, पेट लागू होगा तो लाइफ बर्बाद है, आप मानकर चलिएगा। और किस प्रकार से लाइफ बर्बाद है इसके संबंध में मेरे द्वारा एक विस्तृत वीडियो बनाया गया है।